दोस्तों, अगर आप सूर्य कुमार यादव को खतरनाक खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले के पहले ही दिन सूर्य कुमार यादव ने बल्ले से की कांगारुओं की धुलाई। ऐसा लग रहा था कि मानो ये खिलाड़ी मौके का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही मौका मिला सूर्य ने टेस्ट को T20 बना डाला। जी हाँ, ताबड़तोड़ छक्के और चौकों की बरसात कर दी और टेस्ट में भी मिस्टर 360 बने सूर्य कुमार यादव। तो आखिरकार कितने छक्के जड़े और शतक लगाने के लिए सूर्य कुमार यादव ने कितनी गेंदे खेली, दिखाएंगे उनकी पारी का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली में से खतरनाक बल्लेबाज कौन है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सूर्य कुमार यादव को आप खतरनाक खिलाड़ी मानते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन कोई खिलाड़ी तबाही मचाता नजर आया तो वो सूर्य कुमार यादव थे। जहाँ टीम इंडिया के खतरनाक T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को पहली बार टेस्ट क्रिकेट में खेलने का मौका मिला। फिर क्या था, इस खिलाड़ी ने बता दिया कि वो T20 क्रिकेट के साथ साथ टेस्ट क्रिकेट के भी खतरनाक खिलाड़ी है। मौका मिलते ही उन्होंने पैट कमिंस से लेकर ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की भी धजिया उड़ा दी। आपको बता दें, जब सूर्या की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया, और जिस तरीके से सूर्या ने पहला ओवर खेला उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए यह खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें, छठी गेंद पर अपना खाता खोलते हुए सूर्या ने सातवीं गेंद पर छक्का लगा दिया, और उनके खतरनाक शॉट को देखकर ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस को यह अंदाजा लग चुका था कि अब यह खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। सूर्य कुमार यादव ने टेस्ट को T20 बना दिया और महज 40 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया, जिसमें सूर्य ने 4 छक्के और 2 चौके भी लगा दिए थे। उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे कप्तान रोहित शर्मा भी सूर्य की बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। टेस्ट क्रिकेट में सूर्य अपने डेब्यू मुकाबले में शतक जड़ने के लिए वो पूरे तरीके से बेताब नजर आ रहे थे, लेकिन वो रुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। आपको बता दें, गेंदबाजी करने आए तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड उन्हें गेंदबाजी करने आए और उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके के साथ सूर्य कुमार यादव 85 रनों के पार पहुंच गए। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई स्पिनर नॉथन लियोन को। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंद पर छक्का मारने के चक्कर में सूर्या अपना विकेट गवा बैठेंगे, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। आपको बता दें, नॉथन लियोन की 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाते हुए सूर्या ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को गलत साबित किया बल्कि अपना शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए सूर्या ने केवल 65 ही गेंदों का सामना किया था, जिसमें उन्होंने 9 छक्के और 5 चौके लगाए। सूर्या का तूफान यही नहीं रुका, उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। दिन का खेल खत्म होने तक सूर्या ने केवल 100 गेंदे खेली थी और 175 रन ठोक दिए थे। अपनी पारी में उन्होंने 15 छक्के और 10 चौके भी लगाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव टेस्ट में भी बेस्ट बन सकते हैं या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसी शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।